फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि बाय द वे क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम बाय द वे को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं बहरहाल या लिहाजा या वैसे। जैसे अगर आपको कहना हो वैसे आपका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स वर्ड वैसे के लिए आप लिखेंगे बाय द वे। उसके बाद आपका नाम क्या है का ट्रांसलेशन आप जानते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को हम पार्ट 19 में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज योर नेम। तो फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात यह है कि जब आपको अपने डेली लाइफ में कहना हो वैसे, तो आप कहेंगे बाय द वे, या अगर कहीं बात करते हुए आपको ये बोलना हो लिहाजा या बहरहाल, तो आप बाय द वे का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो वैसे आप कौन हैं, तो आप कहेंगे बाय द वे हु आर यू। अगर आपको कहना हो वैसे आप क्या पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बाय द वे व्हाट डू यू वांट टू आस्क। अगर आपको कहना हो वैसे आप रहते कहाँ हैं, तो आप कहेंगे बाय द वे वेयर डू यू लिव। अगर आपको कहना हो बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप कहेंगे बाय द वे आई हैव नो टाइम। अगर आपको कहना हो बहरहाल बहसबाजी बंद करो, तो आप कहेंगे बाय द वे स्टॉप डिस्कसिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वैसे आपकी एजुकेशन क्या है, तो आप कहेंगे बाय द वे व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। अगर आपको कहना हो बहरहाल मैं आपका इंतजार करूंगा, तो आप कहेंगे बाय द वे आई वेट फॉर यू। अगर आपको कहना हो वैसे आपकी सैलरी क्या है, तो आप कहेंगे बाय द वे व्हाट्स योर सैलरी। अगर आपको कहना हो बहरहाल आप करते क्या हैं, तो आप कहेंगे बाय द वे व्हाट्स योर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जब आपको कहना हो वैसे या बहरहाल, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बाय द वे की मदद से बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।